हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इमूज बेकर्स। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। भाजी के लिए हमें चाहिए 2 प्याज कद्दूकस किए हुए, 1/2 कप पत्ता गोभी, 1 टमाटर कद्दूकस किया हुआ, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप फूल गोभी कद्दूकस की हुई, 2 आलू कद्दूकस किए हुए, 1/2 कप मटर, 2 हरी मिर्च कटी हुई, धनिया गार्निश के लिए। पाव मसाले में हमें चाहिए पाव भाजी मसाला 2 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। कढ़ाई में ऑयल डाले 2.5 टेबलस्पून, हींग डाले 1/4 टीस्पून। अब इसमें जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, कटी हरी मिर्च डालें, अब प्याज डालें और इसे अच्छे से भूनें। प्याज के गुलाबी होने पे अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें और इसे अच्छे से चला लें। अब इसके बाद इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाएं। 2 मिनट बाद सभी सब्जियों को इसमें डालें और इसे अच्छे से चला लें। उसके बाद इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने दें। पाँच मिनट बाद सभी सूखे मसालों को डालें और 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लें। अब कद्दूकस किए हुए टमाटर डालें और इसे अच्छे से चलाएं। उसके बाद इसे ढक्कन लगा के इसे पकने दें 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद जब टमाटर अच्छे से पक जाए, अब इसमें हम कद्दूकस किए हुए आलू मिक्स करेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। भाजी को थोड़ा सा रिच बनाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी हम ऐड करेंगे। आपकी भाजी तैयार है, उसे मक्खन के साथ गार्निश करें। अब हम पाव सेकेंगे। पाव भाजी इज रेडी। इसे प्याज और नींबू के साथ सर्व करके खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमोज बेकर्स। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल।